साथियों, आज हम सिक्योरिटी शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षित रहना, किसी भी खतरे या हानि से बचाव करना है। सिक्योरिटी गार्ड को सदा चौकस रहना चाहिए और जरूरत के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सिक्योरिटी शब्द में इसका मतलब स्मार्ट, चटक या फुर्तीला होता है। सुरक्षा कर्मियों को होशियार और तेज होना चाहिए। यह साहसी और बुद्धिमान निर्णयों की आवश्यकता को दर्शाता है। ई का मतलब एफिशिएंट, कुशल या निपुण होता है। सुरक्षा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे कौशल और निपुण हों। इससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा कर्मी अपने कार्यों को आसानी और प्रभावशाली तरीके से करें। सी का मतलब केयरफुल, सजग या सावधान होता है। सुरक्षा कर्मियों के लिए को सतर्क और सावधान रहना चाहिए ताकि वे चुस्ती और सावधानी से कार्यों को करें। यू का मतलब यूनाइटेड, संगठित या अनुशासित होता है। सुरक्षा कर्मी अगर संगठित रहें तो सुरक्षा दल काम को बेहतर तरीके से कर सकता है और साथ में उनके बीच मिलजुल कर काम करने की अच्छी आदत बनती है। आर का मतलब रिलायबल, विश्वसनीय या भरोसेमंद होता है। सुरक्षा कर्मी को ऐसा रवैया बनाए रखना जिससे लोग उन पर भरोसा करें और उनके कर्तव्यों में स्थिरता और विश्वास हो। आई का मतलब इंटेलिजेंट, चतुर या होशियार होता है। सुरक्षा कर्मियों को बुद्धिमान और समझदार होना जरूरी है ताकि सुरक्षा के उपायों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। टी का मतलब ट्रेन, प्रशिक्षित व प्रशिक्षण प्राप्त होता है। सुरक्षा कर्मियों को उच्चतम स्तर के प्रशिक्षण से गुजरना जिससे उन्हें सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो। वाई का मतलब यूथफुल, नौजवान या जोशीला होता है। सुरक्षा कर्मियों के लिए ऊर्जावान और जोशीला रहने की आवश्यकता को दर्शाता है जिससे उनमें उत्साह और सकारात्मकता बनी रहे। सुरक्षा में स्मार्ट, सजग, विश्वसनीय और संगठित योग्यताओं का बहुत महत्व होता है। ये गुण सुरक्षा कर्मियों को अच्छे तरीके से काम करने और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वालों को ये योग्यताएं विकसित करने की आवश्यकता होती है।